यार हेती तो कितने टाइम बाद मिली, कैसी है? हाय एग्जाम्स में बिजी थी यार, पता तो है। अग्री भाई, एग्जाम्स तो ना मेरे भी भाई बहुत गंदे गए। छोड़ अभी क्यों याद करना। वैसे कुछ प्लान किया आगे, प्लस टू के बाद क्या करेगी? ऑफ कोर्स सोचा है यार, मैं ना बैचलर्स डिग्री करने वाली हूँ, वो भी ब्यूटी एंड वेलनेस पे। एक मिनट, ब्यूटी एंड वेलनेस में बैचलर्स की डिग्री कब से? होता है ना, ओरेन और मेधावी स्किल्स यूनिवर्सिटी का टाई अप है। और तुझे पता है हर एक कोर्सेज ना UGC अप्रूव्ड है, जैसे बाकी सारे कोर्सेज होते हैं ना वैसे वैलिड है यार। मतलब जैसे कि इंजीनियरिंग और BBA की डिग्री होती है ठीक वैसे ही। हाँ एग्जैक्टली। और तुझे पता है डिग्री के बाद मैं गवर्नमेंट जॉब्स में भी अप्लाई कर सकती हूँ, टोटल फ्लेक्सिबिलिटी है यार। मतलब इंडिया में पढ़ के इतने करियर ऑप्शंस मिलेंगे। बिल्कुल। और एक प्लस पॉइंट बताओ, ये ना कनाडा में भी वैलिड है। और तुझे पता है कनाडा में ग्रेजुएट होल्डर्स को PR मिलने के कितने ज्यादा स्कोप है? यार ये तो सही है, मतलब इतनी करियर अपॉर्चुनिटी है ना। और ओरियन के कोर्सेज तो एनीवेज बहुत फेमस है, तो सोच कितने करियर अपॉर्चुनिटीज है यार। मुझे सीरियसली अब कंसिडर कर ही लेना चाहिए इसको। और आप भी ये चांस मिस मत करो, बैचलर डिग्री इन ब्यूटी एंड वेलनेस के एडमिशंस ओपन है ओरियन के 115 प्लस सेंटर्स में। एंड फॉर मोर डिटेल्स कॉन्टेक्ट द नंबर ऑन द स्क्रीन एंड डोंट मिस दिस अपॉर्चुनिटी।